अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद। उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार हमारी कैट वीक होती जा रही है, आज से नहीं पूछ रहे, काफ़ी सालों से पूछ रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? कोई एक्यूरेट रीज़न बताना, एक रीज़न बताना तो बहुत मुश्किल है जब तक आप लोग डायग्नोसिस नहीं कराते। लेकिन अगर आप कहते हैं यार हमारे आसपास डॉक्टर नहीं है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, कोई मसला तो नहीं चल रहा, तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगा कि 90% तकरीबन वही उसी की वजह से कैट जो है आपकी दिन ब दिन वीक हो रही होती है। तो वीडियो अंदर लास्ट में देखिएगा, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। और जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया था दो वीडियोस पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने मेरी कैट की नैला की एज गेस करनी है, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे तुक्के मारे हैं, और उसमें से कुछ लोग ही जो हैं जिन्होंने एक्यूरेट, बल्कि बहुत कम क्वांटिटी है जिन्होंने एक्यूरेट जो है वो बताया। गिव अवे का जो है वो कौन जीता वो मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा। वीडियो छोटी होने वाली है, वीडियो की तरफ चलते हैं। इसी एक चीज़ की बात करें, ये बीमारी तो नहीं है लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो कैट्स जो है उनके फर शेड होता है, जब फर शेड होता है तो उसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की कैट वीक हो रही है। और गर्मियों में खाना बिल्लियाँ जो हैं वो कम खाती हैं, गर्मियों में ज़रा बिल्लियों की ग्रोथ कम होती है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि जिस वजह से आप लोगों को लगता है कि कैट आपकी वीक हो रही है। लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सा रीज़न है। उसके बाद लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से कैट की ग्रोथ भी नहीं होती और कैट जो है वो अगर बड़ी भी है तो वो वीक होना शुरू हो जाती है, और वो है सिंपली बहुत सारे केसेस में मैंने देखा डिवर्मिंग। लोग डिवर्मिंग नहीं करवाते, लोग डिवर्मिंग को वैक्सीनेशन को सीरियस नहीं लेते। डिवर्मिंग हर 3 महीने बाद, कम से कम हर 3 महीने बाद करवानी होती है, 2 से 3 महीने बाद। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको महीने बाद भी करवानी पड़ सकती है अगर वॉर्म्स का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक उसके पेट में वॉर्म्स रहेंगे वो ग्रो नहीं कर सकती, वो जो भी खाएगी उसका कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा कैट को। तो इसलिए अपने कैट को अपने वेट से जो है वो लाजमी जल्द से जल्द डिवर्म करवाएं। हो सकता है कि ये एक ऐसे रीज़न हो जिसकी वजह से आप लोगों की कैट वीक भी हो रही है और ग्रोथ भी नहीं हो रही। फिर एक रीज़न बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल स्पेशली फीमेल कैट्स के अंदर, जब वो हीट पे आती हैं, हीट पे आने के बाद एक तो वो खाना नहीं खाती ठीक से, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद जब वो कंटिन्यूसली 3-4-5 दफ़ा हीट पे आती है तो ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू हो जाती है, बल्कि वीक हो चुकी होती है और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आप उसको जो मर्ज़ी मल्टीविटामिन जो मर्ज़ी आप उसे खिला दें उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये दो जो मैंने आप लोगों को पहले रीज़न बताए हैं डिवर्मिंग और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न है जिसकी वजह से कैट की जो है वो ग्रोथ भी नहीं हो रही होती और कैट वीक हो रही होती है। अगर आप लोगों को मैंने मेटिंग के बारे में या हीट के बारे में, हीट के नुकसान के बारे में, हीट के फ़ायदों के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर लाजमी देखा करें। मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ तो ज़्यादातर के मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई होती है, आप लोग जाके वो भी देखा करें। तो हीट भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कैट जो हो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही हो। उसके बाद अगर हम ज़रा मेडिकल टर्म में और ज़्यादा अगर गहराई में जाएं तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं प्रोमिनेंट जो कि बहुत कॉमन बीमारियां हैं जिनके अंदर कैट जो है वो एकदम से अपने साइन शो नहीं करती बीमारी कैट के अंदर, और कैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती है, उसके बाद एकदम से जो है वो खाना छोड़ देती है और उसके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत सारी ख़राब हो चुकी होती है। उनमें से पहली एक चीज़ है ब्लड पैरासाइट जो है वो आहिस्ता करके कैट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, कैट की ग्रोथ नहीं होती, कैट वीक होती जाती है। उसके अलावा किडनी और लीवर, इसके बहुत सारे केस आते हैं जिसमें कैट वीक हो रही होती है। आप लोग समझ लेते हैं यार कैट ने खाना कम कर दिया है, वीक हो रही है, शायद कोई और रीज़न होगी, लेकिन अक्सर जो मैंने देखा किडनी और लीवर की वजह से, क्योंकि किडनी और लीवर एकदम से जो है वो अपनी बीमारी जो है वो शो नहीं करते, वो आहिस्ता करके जो है कैट को इस मुकाम पे ले जाते हैं कि कैट जो है बचने के काबिल नहीं रहती। तो इसलिए काइंडली अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न लगता है तो अपने वेट से लाजमी और जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। और लास्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अगर आपकी कैट स्ट्रेस में है, स्ट्रेस भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कैट जो है वीक होती है। अगर स्ट्रेस किस वजह से आता है, आप लोग अक्सर अपने कैट्स को किसी के घर मीटिंग के लिए छोड़ आते हैं, किसी के घर वैसे ही छोड़ आते हैं, या आपको कैट नहीं ले आते हैं, या कोई और रीज़न हो सकता है स्ट्रेस को, उसकी वजह से भी वीक होती है। उसके अलावा जो लोग कंटिन्यूसली अपने कैट्स को ब्रीड करवाते हैं, साल में 3-3-4-4 दफ़ा ब्रीड करवाते हैं, उनकी कैट भी वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जो मैंने बहुत चुन के निकाले हैं, जिन 80-90% यही ज़्यादातर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कैट जो है वो आहिस्ता वीक हो रही होती है, या कोई ना कोई ऐसी बीमारी चल रही होती है जिसकी वजह से वीक हो रही होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें जो हमने गिव अवे देनी है, उसके मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म ये चलाई हुई थी यहाँ पे कि लिखा हुआ था 6 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस या 3 से 7 ईयर्स लिखा हुआ था, किसी ने 2-3 साल लिखे हुए थे, 3-4 साल लिखे हुए थे, लेकिन मैंने आप लोगों का था जो एक्यूरेट गैस करेगा उसी को गिव अवे मिलेगा। और पहला जो है वो राणा ने, जब वीडियो अपलोड हुई थी उसके बाद फ़ौरन पहले जिसने पहला गैस किया था वो राणा के नाम से था, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा यहाँ पे, उन्होंने बताया 7 ईयर और ये प्रॉपर 7 ईयर की है। और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने कहा था 6-7 ईयर, वो मैं काउंट नहीं करूँगा। उसके अलावा फिर एक ने कहा था द रेड एप्पल के नाम से है, शी इज़ 7 ईयर्स,
उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बताया है। अब राणा के नाम से मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और द एप रेड एप्पल के नाम से, इन दोनों ने गिवअवे जीता है मेबल का, इन दोनों को हम मेबल भेजेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, सर सिंपल से तरीके का, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने सिंपली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेज पे छवि में उसे आप लोगों ने मैसेज करना है और बताना है, अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, जो भी आप बता दें हम उसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको मेबल दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ ख़ास तौर पर, जो बिल्लियाँ वीक हो रही हैं और जब बीमारी से उठ रही हैं, उन लोगों के लिए मेबल कैट फूड एक जन्नत की तरह है। क्योंकि मेबल कैट फूड जो है, जो बिल्लियाँ बीमार होती हैं या बीमारी से उठती हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, उनको सेहत की तरफ लेके आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भाई को लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।